हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी सारे फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग? एकदम मजे में, वेरी गुड। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के साथ दो रिक्वेस्टेड रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। कुछ दिनों पहले मुझे बोला गया था नमक पारे यानी मछली की रेसिपी शेयर करें, तो बहुत ही इजी और टेस्टी मछली बनाएंगे हम लोग और साथ में बनाएंगे आलू मेथी की सब्जी। बहुत ही ज्यादा टेस्टी होती है विंटर्स में, तो खासकर मेथी खाने का मजा ही कुछ और है। सुबह इन दिनों टिफिन बनाना होता है, लेकिन शुभम के लिए टिफिन बनाना होता है। शुभी टिफिन लेकर के नहीं जा रही है क्योंकि उसके एग्जाम चल रहे हैं। तो एक दिन एग्जाम हो रहा है, एक दिन छुट्टी रह रही है, और जिस दिन एग्जाम रहता है उस दिन वो टिफिन लेकर के नहीं जाती है क्योंकि जल्दी आ जाती है। और सुबह सुबह तो बाहर बहुत डार्क रहता है, एकदम अंधेरा सा, और किचन की विंडो से ही दिखता रहता है। ये बर्तन मैंने रात में जो धुल के रखे थे वो पूरे सूख गए हैं, तो उन्हें हटा दिया है, ट्रॉली में रख दिया। कई बार मैं रात में भी रख देती हूँ और कभी कभी रह जाते हैं, तो आज सुबह रख रही हूँ। और आज मैं शुभम के टिफिन के लिए बनाने वाली हूँ भिंडी की सब्जी और रोटी। तो मैं सुबह आटा निकाल के लगाती हूँ, और इस समय जो आटा लगाती हूँ वो शुभम का टिफिन हो जाए, ओम के नाश्ते का भी हो जाए, और फिर शुभी और मेरे लिए भी हो जाएगा। तो सुबह मैंने ये खट्टे सबका आटा लगाया एक बार में ही, और आटे की थाली में ही थोड़ा सा सूखा आटा निकाल लिया है, और भिंडी धुली हुई रखी हुई है और उनको मैं काटूंगी, और ऊपर और नीचे से हल्का हल्का काटती हूँ मैं। और मुझे किसी व्यूवर ने एक बार एडवाइस किया था कि भिंडी को अगर आप ऐसे हल्का सा टेढ़ा काटेंगे ना, जैसे हम लोग गोल गोल काटते हैं, तो हल्का सा टेढ़ा नाइफ को पकड़ के काटें तो लिबलिपापन कम आता है, चिपचिपापन कम होता है। तो मैंने ट्राई किया तो सच में फ़र्क पड़ता है। तो वैसे ही मैंने काटा है, और नाम उनका याद नहीं आ रहा मुझे, काफ़ी दिन पहले बोला था उन्होंने। मैंने कढ़ाई में सरसों का तेल गरम किया है और 1 चम्मच अजवाइन डाली है, आधा चम्मच हल्दी पाउडर। भिंडी मैं इसी तरीके से बिना प्याज लहसुन का ही बनाती हूँ, और सिर्फ अजवाइन और हल्दी है, और सरसों के तेल में ही बनाती हूँ मैं ज़्यादातर सूखी सब्जियाँ। भिंडी को डाल करके भी अच्छे से मिक्स कर देंगे, तो बस अभी इसको पकानी है। तो हल्का सा ढक करके कुछ मिनट के लिए रखेंगे और फिर खोल कर देखेंगे। भिंडी एक ऐसी सब्जी है कि टिफ़िन के लिए सबसे ज़्यादा जल्दी बनती है। आज सुबह मैं पहले गोभी बनाने का सोच रही थी, फिर सोचा शुभम को भिंडी खाना है तो भिंडी बना देते हैं। अब मैंने खोल करके उसको फिर से एक बार हिला दिया है, और नमक स्वाद के अनुसार डाल देंगे। और नमक डालने के बाद हल्का सा मैंने लाल मिर्ची पाउडर डाला है, क्योंकि जिस वक्त मैंने इसको छौंका था तो हरी मिर्ची डाली थी। और मैं डालूंगी ये मैगी मसाला। मैगी मसाले से टेस्ट बच्चों को अच्छा लगता है, इसलिए डाला है मैंने। शुभम को बना रही हूँ मैं टिफ़िन के हिसाब से ये सब्जी, और टिफ़िन के लिए थोड़ा सा ये चेंज हो जाता है टेस्ट, हमेशा तो एक जैसे मसालों का रहता है ये स्वाद, और ये सब्जी बहुत जल्दी पक जाती है। ये देखिए सब्जी तैयार हो गई है, तो मैंने टिफ़िन में डाल करके साइड में रख दिया है, ये ऐसे हल्की ठंडी भी होती जाएगी। और इधर अब आज शुभी का एग्ज़ाम है तो वो जल्दी आ जाएगी, तो वो बोल रही है कि मैं आके ही सीधा खाऊंगी। और जब वो स्कूल से आएगी तो बनाने वाली हूँ मैं आलू मेथी की सूखी सब्जी और गर्मा गर्म पराठे। मेरी शुभी को बहुत ज़्यादा पसंद है आलू सूखी सब्जी के साथ पराठे, और वो भी गर्म, तो मैं बाद में ही सेकूंगी। अभी बस शुभम के टिफ़िन के लिए रोटियां सेकनी है, तो वो सेक रही हूँ मैं। और रोटी हो या पराठा, तवे की आंच सबसे ज़्यादा खास रहती है। जैसा आंच होगा, यदि आंच सही है तो आपकी पहली रोटी भी फूलेगी, जैसे ये पहली रोटी है। वरना कई बार देखो तो पहली रोटी नहीं फूलती, उसके बाद शुरू होती हैं रोटियां फूलने, क्योंकि वो आंच का फ़र्क हो जाता है। तो पहले जब रोटी बेलते हैं ना, उस वक्त आंच तेज़ रखते हैं, और जैसे तवे पे डाल देते हैं फिर धीमी कर देते हैं, और जब दोनों साइड से पलट करके ऐसे डॉट्स आ जाते हैं, फिर आंच को जब गैस में रखते हैं रोटी तो तेज़ कर लेते हैं। तो बस ये रोटी तैयार हो गई शुभम की। और रोटियों में हम लोग घी लगाते हैं। कल एक व्यूवर हैं, उन्होंने कमेंट पूछा है कि आप रोटी में घी क्यों लगाते हैं, और वीडियो में बताइएगा। ठीक है, तो मैं ये बता रही हूँ क्योंकि हम लोगों ने कभी भी अपनी याद में बिना घी की रोटी खाई नहीं। जब से याद होगा, होश संभाला होगा मम्मी लोगों के घर में, मतलब हमारे घर रोटी हम लोग सूखी नहीं खाए कभी, तो हम लोगों को आदत लगी है। जबकि हम लोग जब बाहर निकले, हॉस्टल में गए या फिर शादी के बाद महाराष्ट्र में आए, तो हमने देखा कि लोग बिना घी के ही रोटी खाते हैं, लेकिन हम लोगों ने कभी नहीं खाई। और आज भी मतलब हम लोग जहाँ के रहने वाले हैं वहाँ रिवाज है कि रोटी में घी ज़रूर लगाते हैं, तो हम लोगों को आदत लगी है।
दोनों बच्चे स्कूल चले गए हैं और अब मैं अपनी चाय का गिलास लेकर के बैठी हूँ। अब खुल गया ना बाहर का मौसम, हल्का हल्का ठंडा है इन दिनों बहुत। मेरी चाय के बाद ओम के लिए भी मैंने पराठे सेके थे और उन्होंने भी भिंडी की सब्जी और पराठे खाए हैं, वो चले गए हैं और मेरे घर के काम हो गए हैं। अब मैंने गेहूं का आटा निकाला है, 2 कटोरी जितना होगा शायद, और नमक डाला है और ये कलौंजी डालेंगे 1 छोटी चम्मच। यहाँ पर कलौंजी की जगह आप अजवाइन का यूज़ भी कर सकते हैं। मैं आटा तैयार कर रही हूँ मठरी के लिए, मैं गेहूं के आटे की मठरी बनाने वाली हूँ। और ये देखिए फ्रेंड्स, नमक है वही जो मैंने बताया था और आज मैं रुपए दिखा रही हूँ। ये देखो इसमें 50 रुपीज़ लिखा हुआ है। अब किसी के शहर में कौन सा प्राइस है, किस प्राइस में मिल रहा है ये हम नहीं कह सकते, लेकिन हमें ये 30 रुपीज़ में ही मिलता है। लिखा प्रिंट 50 है लेकिन 30 में ही मिलता है, मैंने फिर से 2 बार कन्फर्म कर लिया है घर में। और अब आटे में डाला है तेल। तेल का अंदाज मैं मठरियों में ऐसा ही रखती हूँ कि जब तेल डालते हैं और आटे को ऐसे मिक्स करते हैं तो मुट्ठी बंधने लग जाए। तो जैसे पहले मैंने ऐसे डाला था और फिर उसको पूरे को मिक्स किया तो मुट्ठी नहीं बंध रही थी, फिर मैंने और डाला तेल और जब ये मुट्ठी बंधने लग जाती, जैसे हाथ में पकड़ के दबाया तो लड्डू जैसा बन गया ना, तो बस फिर हल्का हल्का पानी डाल करके आटा गूंथते हैं। और अक्सर जैसे मुझे शाम में या दोपहर में बनानी है मठरियाँ ना, क्योंकि पहले तो खाने का ही टेंशन रहता है और खासकर तब जब 12 बजे बच्ची घर में आने वाली हो तो लगता है पहले खाने की तैयारी करो, तो ये बाद में ही बनानी है। लेकिन इसका आटा पहले से तैयार करके रखती हूँ मैं। अक्सर मठरियाँ वगैरह बनानी है ना तो सुबह आटा लगा देती हूँ, फिर बाद में मठरी बनाती हूँ। आज मैं फिर से बनाने वाली हूँ सौंफ और बादाम मिश्री का पाउडर। पिछली बार बहुत सारे व्यूवर्स पूछते थे कि आप क्वांटिटी बताएं एग्जैक्ट, तो ये 250 ग्राम बादाम है, 250 ग्राम मिश्री है और 100 ग्राम सौंफ है। सौंफ कम है, 100 ग्राम सौंफ और 250-250 ग्राम बादाम और मिश्री है। मिश्री आप खड़े दाने की भी ले सकते हैं, टुकड़े करके मिक्सी में पीसें, तो ये मैंने टुकड़े वाली ही डाल रही हूँ मैं क्योंकि यही आ गई घर में इस बार, और सबको डाल के पीस लेते हैं। यही पाउडर बनाती हूँ मैं, तो सुबह बच्चों को यही वाला देती हूँ, शाम में ही बच्चों की चॉइस के लिए भले ही दूध में कुछ भी शेक्स वगैरह बन जाएं। अब मैंने छोटी चम्मच इसमें डाली है दालचीनी, ये मैं आज डाल रही हूँ, पहले मैंने नहीं डाला था, आज मैं इसमें दालचीनी डाल रही हूँ। तो मिक्स कर देंगे सब इसको भी, लास्ट में मैंने डाला है, फिर इसको एक बार अच्छे से पीस लेंगे। ये देखिए दालचीनी भी मिक्स हो गई है इसमें, छोटी चम्मच जितनी डाली है। आप देखें बच्चों को इलायची का फ्लेवर पसंद आए तो आप इलायची डाल लें, चाहे दालचीनी डालें, कोई एक फ्लेवर डाल लें। वैसे सौंफ का अपना एक अलग स्वाद होता है और इस बार हमने सौंफ सिर्फ 100 ग्राम ही डाली है। ठंडी रहती है सौंफ और विंटर सीजन आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा सौंफ रहती है तो फिर कई बार वो बादाम और मिश्री का टेस्ट कम मिल पाता है। तो बस इससे मैंने जार में ही भर के रखती हूँ हमेशा, फिर 1 चम्मच यूज़ हो जाता है तो इसे बना करके रख देंगे। ये मेथी का पूरा बंच था जिसे मैंने पूरी मोटी डंठल हटा दी है और मेथी के इस तरीके से जो पत्ते पत्ते हैं ना वो पूरे पूरे तोड़ के रख लिए हैं। कुछ हल्की हल्की डंठल हैं जिनमें पतली पतली सी हैं तो वो मैं यूज़ करने वाली हूँ। आलू मेथी की सब्जी बनाने वाले हैं और हमने आलू को इस तरीके से लंबा लंबा पतला पतला काट लिया है, तो 3 आलू हैं और बस ये साफ करके धुल लिया 2 बार मेथी को, क्योंकि हरी सब्जियों को 2-3 बार पानी से ज़रूर धुलना चाहिए। जितनी फायदेमंद होती हैं हरी सब्जियां उतनी ज़्यादा नुकसान उनके साथ जो आ जाते हैं मिट्टी धूल। और मैंने लहसुन काटे हैं बारीक और हरी मिर्ची काटी है। इस सब्जी में कोई प्याज वगैरह नहीं डालूंगी मैं, सिर्फ और सिर्फ लहसुन और हींग से छौंकेंगे और हरी मिर्ची डालेंगे। और मैंने ऐसे रफली चॉप कर लिया है मेथी को, बहुत फाइन नहीं काटा है क्योंकि ये इतनी जल्दी पकती है, कभी आप पूरे पत्ते भी छोंक देंगे ना तब भी वो नरम हो जाते हैं। अब कढ़ाई में सरसों का तेल डाला है, जैसे ही तेल गरम हो जाएगा हम इसमें डालेंगे कटे हुए लहसुन। लहसुन गरम करती है बहुत, मतलब इसमें टेस्ट भी अच्छा लगता है मेथी के साथ में, और हरी मिर्ची कटी हुई डाल देंगे और हींग डाल देंगे। इस सब्जी में और कोई मसाले नहीं डलते, सिर्फ थोड़ी सी हल्दी डाली जाती है 1/4 चम्मच। और हल्दी डालने के बाद हमने आलू डाल दिए हैं, आलू पहले से फ्राई कर लें और उसमें नमक डाल देंगे जिससे आलू जल्दी पक जाएगा, और सिर्फ हल्दी और नमक में ये आलू फ्राई करने हैं। अभी आंच तेज रखी है ताकि जल्दी से ऐसे फ्राई फ्राई से होने लग जाएं, फिर इसे ढक देंगे, आंच को मीडियम कर लेंगे तो आलू जल्दी से पक जाए।
ढकने से बहुत ही जल्दी आलू पकता है और ये देखिए एकदम फ्राई फ्राई भी हो गया है। अब हमने डाला है कटी हुई मेथी और इतनी सारी मेथी है पूरी कढ़ाई फुल हो गई है, लेकिन ये सब्जी जब पकती है ना तो बहुत कम हो जाती है, इसीलिए नमक डालते वक्त आप खास ख्याल रखें। जो आलू हैं हमने उसके हिसाब से ही नमक डाला है तो वो पूरी सब्जी में परफेक्ट होगा। अगर हम ये सोचें कि इतनी सारी मेथी और इतने सारे आलू हैं उसके हिसाब से नमक डालें तो सूखी सब्जियों में अक्सर नमक ज़्यादा हो जाता है, तो हरी सब्जियों में नमक डालते वक्त विशेष ध्यान रखिएगा। तो पूरी मेथी इस तरीके से तेज़ आंच में ही हमने ऐसे हिलाई है, वो पूरी ऐसे दबती चली जाती है और एकदम पक जाती है तुरंत। तो सिर्फ आलू पकने में ही टाइम लगा, मेथी पकने में तो मिनट भी नहीं लगते क्योंकि कढ़ाई गर्म रहती है तेज़, और जैसे डाल के बस हिलाया तेल में तुरंत पक जाती है। तो ये बस इस तरीके से धीमी आंच करके अब आलू और फ्राई फ्राई से हो जाएंगे। मेथी ये देखिए खुले ही पक जाती है, इतनी जल्दी बनती है ये सब्जी, और सर्दियों में आलू मेथी का तो कोई जवाब नहीं। तो हमने गैस बंद कर दी है और ये देखिए आलू मेथी की बिना मसाले वाली सब्जी तैयार हो गई है। सब्जी बन चुकी है तो, और उसके बाद मैंने ये रसोई भी साफ कर ली है। अब बनाने वाली हूँ मैं पराठे, और पराठे के पहले ही मैंने घर के जो क्लीनिंग वाले काम होते हैं सुबह वाले जो मैं करती हूँ मॉर्निंग वाले, वो सारे काम भी कर लिए हैं और उसी वक्त पराठे बनाने शुरू किए जब शुभी के आने का टाइम है, क्योंकि इस सब्जी के संग गर्म पराठे बहुत अच्छे लगते हैं और खासकर तवे से उतरे हुए पराठे करारे करारे तो फिर और भी ज़्यादा मज़े आते हैं। तो मैं पराठे बना रही हूँ ट्रायंगल शेप वाले, तो मैंने एक बॉल को पहले गोल बेला है, उसके बाद तेल लगा के उसको फोल्ड किया है, फिर ट्रायंगल शेप दी है डबल फोल्ड करके, पहले भी मैं बना चुकी हूँ। तो बस इसी तरीके से हल्का सा परथन लगाते हैं पराठे में, और आटा सुबह गूंथा था जो शुभम के लिए वही वाला है। उसके बाद ही मैंने ओम के लिए भी नाश्ते के लिए पराठे बनाए थे, वो भी पराठे खा के गए हैं आज, आज उन्होंने रोटी नहीं पराठे खाए हैं। ओम ने भिंडी के संग पराठे खाए थे और भिंडी के संग भी पराठे बहुत अच्छे लगते हैं। मतलब कुछ सब्जियां होती हैं विंटर सीजन में जब आप सुबह नाश्ते में खा रहे हो तो गरम गरम पराठे के संग खाने में बहुत अच्छी लगती हैं, और पराठे दोनों ही साइड अच्छे से करारा सा सिकना चाहिए और पूरा पराठा सिके, ऐसे बीच में डार्क सा किनारे से वाइट सा ना रहे, तो हल्का सा दबाते जाए ना तो तवे जब गर्म होता है तवा तो फिर अच्छा सा सिकता है पराठा। और यहाँ पर भी आँच धीमी तेज करते रहना चाहिए, एक जैसी आँच रहे मानो फुल है, और आप लगातार बनाते जा रहे हैं फुल आँच में तो पराठे अच्छे नहीं सिकते। जब आप बेल रहे हैं तो आप आँच को धीमी कर लो, और जब आप तवे पे सेक रहे हो और आपका हाथ है सामने में तो आप तेज़ रखो तो दबा सकते हैं। बस इसी तरीके से अच्छे से पराठे सीखते चले जाते हैं। एक व्यूवर हैं, 2-3 बार से लिखती हैं कि ट्रायंगल वाली रोटी आप कब बनाएंगी, तो मुझे लग रहा है शायद वो पराठे के लिए ही कह रही होंगी। तो मैंने उनसे कहा था कि मैं बहुत बार बना चुकी हूँ, तो इस तरीके से बनाते हैं हम ट्रायंगल शेप में, मतलब पराठे बनाते हैं, रोटियाँ हम लोग गोल ही बनाते हैं। और अगर वो मराठी वाली तेल वाली पोड़ी के लिए कह रही होंगी शायद, क्योंकि महाराष्ट्र में बनाते हैं ट्रायंगल शेप में फिर बड़ा सा बेलते हैं, तो एक बार मैंने वो तेल वाली पोड़ी भी शेयर की है, तो प्लीज़ आप वो वीडियो देख लीजिएगा। रोटी में मैं हमेशा गोल ही बनाती हूँ, रोटी ट्रायंगल शेप में कभी नहीं मैंने सेंकी है। और बस अब ये तेल का डब्बा हटा करके यहाँ से ये सब साफ़ कर लूँगी मैं, और जो कैसरोल में मैं कपड़ा लगाती हूँ उसमें मैं डायरेक्ट तेल घी वाले पराठे नहीं रखती हूँ, तो एक नीचे प्लेट रखती हूँ, बनाते वक्त जो रखा मैंने थाली में भी देखो रखती हूँ तो भाप में रहती है तो नीचे का पराठा गीला नहीं होता, और कैसरोल में जो प्लेट लगाती हूँ उससे वो जो मेरा कपड़ा है उसमें तेल और घी की स्मेल नहीं आती है, वरना वो तेल घी के स्मेल से कैसरोल में यूज़ होने वाले कपड़ों में बड़ी अजीब सी स्मेल आने लगती है। तो बस इसी तरीके से रखती हूँ मैं हमेशा। यहाँ पर सारी क्लीनिंग हो गई है और मठरी का आटा रखा हुआ है, खाना वाना हो जाए उसके बाद ही बनाऊंगी मठरियाँ। जैसे ही टाइम था कि मुझे मालूम था कि शुभी आने वाली, उसी हिसाब से मैंने सारे काम किए, मुझे भी भूख लग रही है और हम दोनों साथ में ही खाएंगे, इसलिए मैं रुकी थी कि शुभी के संग खाऊंगी मैं। शुभी आ गई है, उसका एग्जाम अच्छा हुआ है, और मैंने निकाली है सब्जी आलू मेथी की, और आज निकाला है नींबू का अचार, क्योंकि 2-3 दिनों से हम लोग आंवले का अचार खा रहे हैं जो मैंने बनाया था ताज़ा, और ये नींबू के अचार की रेसिपी है मैंने आप सभी के साथ शेयर की है। ये अचार मुझे और शुभी को खूब पसंद है, हम लोग उंगली चाट चाट के खाते हैं, इसमें जो चीनी मतलब घुल गई है ना नींबू के जूस के साथ तो वो चाटने में बहुत अच्छा लगता है, खट्टा और फिर खूब मीठा,
और सब्जी मैंने दूसरे एक छोटे से बाउल में पलट ली है। ये देखो लोहे की कढ़ाई में ये सब्जी रखी थी, लेकिन फिर भी आलू ऐसे काले काले से नहीं हुए ना। बस मैं और शुभी खा रहे हैं। शुभी बता रही है अपने वही स्कूल का और उसका एग्जाम का, बता रही है कल उसकी छुट्टी है, परसों एग्जाम होगा, आज का एग्जाम कैसे हुआ, यही सब। पालक, मेथी, सेम, इन दिनों विंटर सीजन में जितनी भी सब्जी आएंगी, बथुए का साग, तो ये सब हमेशा कोशिश करें आप कि लोहे की कढ़ाई में बनाएं, क्योंकि लोहे की कढ़ाई में जब हरी सब्जियां बनती हैं तो आयरन आता है सब्जियों में, तो वो सब्जियां और भी ज्यादा सेहतमंद हो जाती हैं, खासकर बच्चों के लिए। बच्चे तो हरी सब्जी बिल्कुल खाना ही नहीं चाहते, हमारी शुभम का भी वही हाल है। और लेकिन अगर लोहे की सब कढ़ाई में छौंकते हैं ना सब्जियां, तो थोड़ा आयरन, अभी आप इसमें भिंडी भी रखे रहो ना तो काली काली सी हो जाती है, अभी आप पालक रखो तो हो जाती है, तो आयरन होता रहता है ना लोहे का कढ़ाई का। खाना खाने के बाद तो बहुत थकान लगती है और आलस आता है, तो मैं थोड़ी देर आराम भी करने चली गई थी कमरे में। शुभी अपना थोड़ी देर टीवी देख रही थी और मैं कमरे में लेट गई थी, और फिर आई हूँ मैं कि अब मुझे मछली बनानी है। और वैसे भी शुभम 3 बजे तक आता है, तो इसलिए वो उतने बजे तो ये रहता है कि फिर उठना ही है शुभम का खाना देने के लिए, तो उसी वक्त मैं उठी थी, उसको खाना भी दिया शुभम को, स्कूल से आ गया, तो फिर मैंने सोचा चलो मछली बनाते हैं। तो आटा भी खूब अच्छा सेट हो गया, एकदम सॉफ्ट हो जाता है, ये गेहूं का आटा है लेकिन हमने सुबह से गूंद के रखा था, छोटे छोटे से बॉल्स बनाए हैं, और बॉल को रोल करके चाहे आप हथेली से इस तरीके से प्रेस कर लो तो ये मट्ठी बनने वाली हैं। बहुत तरह की मट्ठियाँ बनती हैं, चाहे तो पूरा बड़ा सा गोल का बेल लो, फिर चाकू से काट लो, लेकिन ये वाली जो मट्ठियाँ बनती हैं ना, ये चाय के साथ अचार के संग खाने में बहुत अच्छी लगती हैं, एकदम खस्ता मट्ठी बनती हैं। ऐसे छोटे छोटे से बॉल्स को पहले गोल करके हथेली से ऐसे प्रेस करना है, अंगूठे के पास जो ऐसे उठा हुआ सा हिस्सा रहता है हम लोगों के हाथ में, वहाँ से ऐसे प्रेस कर लो, या आप चकले पर ही ऐसे दबा लो, चपटी चपटी सी, हर बॉल को चपटा करना है। हल्की सी मोटी रहती हैं ये, लेकिन धीमी आँच में बनती हैं और ये बहुत अच्छी लगती हैं। अचार हो ना, मिर्च के मसाले वाला अचार या आम का अचार, हम लोग तो हींग के अचार के संग खाते हैं, और हींग के अचार के संग ये मठरियाँ शाम की चाय के साथ बहुत अच्छी लगती हैं। और बस इनको आँच में, धीमी आँच में सेकना है, अगर आप तेज़ आँच में सेक लेंगे तो बस फिर अंदर से कच्ची रह जाएंगी। जब मैंने बेलना शुरू किया था, मतलब गोल बनानी शुरू कर दी, तभी मैंने कढ़ाई रख दी थी और आँच को धीमी कर दी थी ताकि वो तेल गर्म होता रहे, और जब इनको डाला है तब तेज़ आँच कर ली थी कुछ मिनट के लिए, फिर धीमी कर ली, पूरे टाइम मीडियम लॉ है ये, देखिए ऐसे लॉ नहीं दिख रही ना, नज़र नहीं आ रही, और जबकि ये बड़ा वाला बर्नर है, तो इस तरीके से आँच में ही पूरी स्वाली सेंकनी है। इनको स्वाली भी कहते हैं, मच्छी भी कहते हैं, और ये अचार के संग खाई जाती हैं। आप कलौंजी या अजवाइन कुछ भी डालें, सिंपल रहती हैं, सिर्फ नमक है और मोयन, मतलब अच्छा पता चलता है इसमें, और ये खस्ता मठरियाँ बनती हैं। तो इस तरीके से मीडियम आंच में अच्छा सा करारा करारा सेंकना है, और ये देखिए गेहूं के आटे से बनी हुई ये मठरियाँ, आप कभी सफ़र में जाएं बाहर तो ले जा सकते हैं, ख़राब नहीं होती हैं, आराम से आप इनको खा सकते हैं, और घर में भी नाश्ते के लिए बना सकते हैं। कई बार छोटे बच्चों को टिफ़िन में देना है, और रोटी सब्जी नहीं, बच्चे कई बार रोज़ रोज़ नहीं खाना चाहते हैं, तो आप टिफ़िन, और जब ये एकदम अच्छे से ठंडी हो जाए उसके बाद आप किसी भी डब्बे में भर के रख सकते हैं। बस आज का अपना व्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, कल फिर मिलेंगे। थैंक यू, बाय बाय।